अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड लैब बाय आयशा। जी तो आज बहुत ज़बरदस्त सी कलरफुल सी जो रेसिपी आज आप लोग देख रहे हैं ये है जी लब-ए-शीरीन की रेसिपी और बहुत आसान है, मज़े की है, कलरफुल है, देखने में अच्छी लगती है, खाने में ज़बरदस्त होती है और इसका आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं और उसको बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी हम करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिया था तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध, फ्रेश मिल्क लिया था। यहाँ पे हमने कोई टेट्रा पैक का मिल्क लिया, फ्रेश मिल्क लिया था। उसको आपने बॉयल आने तक पकाना है। जब इसके अंदर अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा तो अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालेंगे शुगर का। शुगर जो है जी 3/4 कप के करीब या अकॉर्डिंग टू आप अपने टेस्ट के ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स किया है। अब दूध के अंदर शुगर डालने के बाद हम उसे 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। इस दौरान हम क्या करेंगे जी, हम अपना कस्टर्ड प्रिपेयर करेंगे, कस्टर्ड मिक्सचर। उसके लिए जी यहाँ पे मैंने 1/2 कप मिल्क जो था वो ले लिया था। उसके अंदर मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून भरकर वनीला कस्टर्ड के। आप स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी ले सकते हैं, बनाना भी, फ्लेवर जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वनीला में ज़रा बेस्ट फ्लेवर रहता है। तो मैंने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड को यूज़ किया। उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा जो मिल्क जिसके अंदर आप वनीला कस्टर्ड को डिज़ोल्व कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। बस आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद वो मिक्सचर को ऐड कर देना है जी चीनी और दूध जो हमारे पास बॉयल हो रहा था उसके अंदर। डालते टाइम आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप मिक्सिंग छोड़ देंगे इसको मिक्स करना तो ये गुठलियाँ पड़ सकती हैं और सारे का सारा हमारा जो मिक्सचर है, जो बेस है लब-ए-शीरीन की, वो ख़राब हो सकती है। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद इसके अंदर अच्छे तरीके से बॉयल आ गया था। आँच जो है आपने मीडियम रखनी है और चम्मच आपने चलाते रहना और इसके अंदर थिकनेस ये आती रहेगी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी कलरफुल सेवइयाँ। ये तकरीबन 1/2 कप सेवइयाँ थी जिसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने इसको इसके अंदर शामिल करी हूँ दूध वाले मिक्सचर के अंदर और उसके बाद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे इस मिक्सचर के साथ। यहाँ पर इसको मैं पका रही हूँ। आपने इस टाइम भी चम्मच को चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं तो सेवइयाँ जो हैं और हमारा मिक्सचर जो है जल सकता है और हमारी जो लब-ए-शीरीन की बेस जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मिक्सचर जो है बड़ा अच्छा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना है, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो जब आप इसके अंदर ठंडा करेंगे, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डालेंगे तो ये मज़ीद थिक होगा। और आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी है जितनी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम इसको एक निकालेंगे बड़े से बाउल के अंदर और इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं, डिफरेंट जो हमारे कलरफुल चीज़ें वो शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जेलीस ही, आप जेलीस के फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने स्ट्रॉबेरी और बनाना चूज़ किया था। 1/2 पैकेट यहाँ पर मैंने जी बनाना जेली ली थी और 1/2 पैकेट मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जेली ली थी। 1 कप पानी मैंने बॉईल कर ली थी और उसके बाद बस जिस तरीके से नॉर्मल हम जेली को जमाते हैं मैंने उस तरीके से जेली को जमा लिया था। और उसके बाद मैं इसकी क्यूब्स के अंदर कटिंग कर रही हूँ, जैसे आपने करनी है आप उस तरीके की कटिंग करने में क्यूब्स के अंदर कट कर रही हूँ और बस ये हमारे पास जेली जो है ज़बरदस्ती तैयार हो गई। बस इसके बाद नेक्स्ट हम इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट के अंदर और इसको हम शामिल करेंगे जी हमारे जो ठंडा मिक्सचर था सेवइयों का और दूध का उसके अंदर। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये मिक्सचर कितना थिक हो गया है, बस इसकी ये कंसिस्टेंसी चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास है जी 1 टिन फ्रूट कॉकटेल का, ये पूरे का पूरा टिन मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बचा लिया था कि मैं प्रेजेंटेशन के लिए इसको यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बचा लिया था, अदरवाइज़ आप पूरा भी शामिल कर सकते हैं। 1 अदद यहाँ पे मैंने लिया था जी केला, उसको स्लाइस कर लिया था, वो मैंने शामिल किया है। इसके बाद आप जो मर्ज़ी ड्राई फ्रूट्स ऐड करें इसके अंदर, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब शामिल करूँगी जी बारीक कटे हुए बादाम। अब मैं शामिल करी यहाँ पे पिस्ता 2 टेबलस्पून के करीब। यहाँ पर अब हम 1 पैकेट जो है क्रीम का, ऑलपर्स की मेरे पास क्रीम थी, टेट्रा पैक की क्रीम थी, ये मैंने शामिल किया। पूरा पैकेट आपने शामिल कर देना है। ये शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे जी मिक्स। बड़ा क्रीमी सा रिच सा डिज़र्ट बनता है, ये कलरफुल सा देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी मज़े का होता है। ठंडा करके इसको खाएँ तो बहुत मज़ा आता है। बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना और आपका क्रीमी सा डिज़र्ट जो है तैयार है। अब बस फाइनली इसके अंदर शामिल करेंगे हम जी रेड जेली और ग्रीन जेली। जितनी भी जेलीज कलरफुल आपके पास अवेलेबल हो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और बस ये आपका कलरफुल डिज़र्ट जो है तैयार है। अब इसको फाइनल प्रेजेंटेशन में आपको इसकी दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया था। सबसे पहले मैंने सर्विंग ट्रे के अंदर जेलीज़ को रखा था। जेलीज़ आप देख सकते हैं थोड़ी रेंडम सी मैंने रखी है। उसके बाद ऊपर से मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपना मिक्सचर जो है लब-ए-शीरीन का शामिल करती रही थी। बिल्कुल आपने सेंटर में शामिल करना था कि सेंटर से वो बाहर की तरफ जाएगा और हमारी जेलीज जो है वो कलरफुल सी कॉर्नर्स पे आ जाएंगी, बड़ा अच्छा सा लगेगा। इसके अंदर मैंने फ्रूट कॉकटेल शामिल किया, जो मेरे पास पिस्ताचो और आलमंड्स जो बच गए थे वो शामिल किए हैं। कुछ जेलीज मेरे पास बच गई थी जो मैंने बचा ली थी वो शामिल की और ये है जिसकी फाइनल लुक। उम्मीद है मुझे एक कलरफुल सा स्क्रम्पशियस सा डिज़र्ट आपको पसंद आया होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।